आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि टाटा HVX के अंदर कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाने वाला है, अल्टोज में आने वाला अल्फा आर प्लेटफॉर्म या फिर टाटा की हैरियर में आने वाला ओमेगा आर प्लेटफॉर्म जो कि डिस्कवरी से लिया गया है, क्योंकि टाटा की अल्टोज को ग्लोबल NCAP में 5 में से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अब टाटा अपनी माइक्रो SUV को लॉन्च करने वाला है तो इसको भी बेहतर सेफ्टी के साथ ही लॉन्च करेगा, क्योंकि यह एक इंडिया की बेस्ट माइक्रो SUV होने वाली है। इसलिए अल्फा आर प्लेटफॉर्म की वजह से टाटा की HVX इंडिया की सेफेस्ट सब कॉम्पैक्ट SUV होने वाली है। अगर आपने अभी तक कार ऑटो शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, क्योंकि अल्फा आर प्लेटफॉर्म की वजह से टाटा की अल्ट्रोज इंडिया की सेफेस्ट हैचबैक बन चुकी है। तो उसी तरीके से टाटा अपनी माइक्रो SUV भी लॉन्च करने वाला है जिसके अंदर अल्फा आर प्लेटफॉर्म वो डाल सकती है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस गाड़ी को बनाते वक्त टाटा की इंस्पिरेशन थी राइनो, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे एक राइनो की फोटो भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है इस सेगमेंट के हिसाब से। और टाटा HVX का प्रोडक्शन मॉडल रेडी हो चुका है जिसको टाटा फेस्टिवल से पहले लॉन्च करने वाली है, और यह कार लॉन्च होने के बाद कई बड़ी कंपनियों की गाड़ियों को टक्कर देने वाली है। और इस कार का सीधा मुकाबला KUV की 100 और मारुति की इग्निस और मारुति की एस प्रोसेस से हो सकता है, लेकिन जो टाटा HVX का प्लेटफॉर्म वो बिल्कुल अलग होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इन गाड़ियों के मुकाबले यह कार काफ़ी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी में स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अगर इस गाड़ी के अंदर अल्फा आर प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है तो यह कार इन सब से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगी। और अगर आप इस गाड़ी के इंटीरियर की बात कर लें तो कंपनी इस गाड़ी के इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा बेहतर रखने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको फुल लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा, और इस गाड़ी के अंदर आपको 4 से लेकर 5 सीटर की कैपेसिटी देखने को मिल सकती है। और टाटा HVX की प्रोडक्शन मॉडल को ऑटो एक्सपो के 2020 में दिखाया गया था, तो अब टाटा HVX की टेस्टिंग बहुत तेजी से की जा रही है ताकि इस गाड़ी को इस साल के अंत तक लॉन्च कर दिया जाए किसी भी हालत में। और आपने इंटरनेट पर काफ़ी सारे स्पायर शॉट्स देखे भी होंगे, और जो टियागो की लेंथ और HVX की लेंथ है वो बिल्कुल सेम होने वाली है। और इस गाड़ी में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 1.2 लीटर का 84 BHP के साथ पेट्रोल इंजन मिलने वाला है जो कि 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। और कंपनी कुछ टाइम के बाद इसके अंदर टर्बो पेट्रोल इंजन भी लॉन्च कर सकती है जो 100 BHP की पावर प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन अगर टाटा इस गाड़ी के अंदर टर्बो पेट्रोल इंजन स्टार्टिंग में ही दे दे तो और ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी का प्राइस टियागो के जितना ही होने वाला है, जो कि 4 लाख से स्टार्ट होकर 5 लाख तक मिल जाएगी बड़े आराम से। और अगर आप इस गाड़ी के इंटीरियर की बात कर लें तो इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको अल्ट्रो और नेक्सन वाला ही टच स्क्रीन देखने को मिलेगा जो कि इस सेगमेंट में बेस्ट है। और इसके अंदर आपको एरा कार कनेक्टिविटी, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो और डिजिटल और अनलॉक वाला दोनों ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल सकता है। और इसके अंदर आपको हार्मन कार्डन का ऑडियो सिस्टम भी देखने को मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा कूल रहेगा, जिसके अंदर आपको 4 स्पीकर और 4 ट्विटर मिल जाएंगे। और इस गाड़ी की लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है इस सेगमेंट के हिसाब से। इस गाड़ी के फ्रंट में आपको सफारी की तरह 2 पार्ट्स में LED लाइट्स मिलेगी जो डे टाइम रनिंग लाइट्स होगी ऊपर, और इसके नीचे हेडलाइट का सेटअप दिया हुआ है। और अगर आप इसकी लेंथ की बात और जो इसकी लेंथ होने वाली है 3840 mm, और इसकी विड्थ होने वाली है 1822 mm, और इसकी जो हाइट है 1635 mm की होने वाली है। और इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो होने वाला है 2405 mm का। और इस गाड़ी के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी 185 mm की, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आप इस गाड़ी को लेकर कहीं भी थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हो। और कुछ टाइम के लॉन्च होने के बाद इलेक्ट्रिक वर्जन भी आएगा टर्बो पेट्रोल इंजन लॉन्च होने के बाद, जो आपको 200 से 250 तक की रेंज देने में सक्षम होगा। और उन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।